नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स का कोई भी नोटिस किसी भी करदाता के लिए झलबली मचा सकता है, और ऐसे में जब सेक्शन 148A का नोटिस हो, जिसके बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान करदाताओं को नहीं है, तो करदाता के लिए, किसी भी एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वन टू अंडरस्टैंड कि 148A के नोटिस के मायने क्या है, और अगर ये नोटिस आया है दोस्तों तो हमें इसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, क्या तैयारी करनी है, कैसे जवाब देना है। आज की इस वीडियो के थ्रू आपके समक्ष इसी महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार जनता जनार्दन के बेनिफिट के लिए रखने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूं आपके साथ कि ये सेक्शन 148A का नोटिस की व्यवस्था आई कहां से। आई कहां से मतलब कि क्यों लेकर के आए। देखिए होता क्या है दोस्तों, एक असेसमेंट होता है जिसको हम इनकम टैक्स में बोलते हैं सेक्शन 147 असेसमेंट। ये सेक्शन 147 का असेसमेंट एक तरीके से डिपार्टमेंट को बियॉन्ड नॉर्मल टाइम लिमिट पुराने केस खोलने की पावर देता है। इस 147 के असेसमेंट को करने के लिए एक सेक्शन 148 में नोटिस दे करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एसएससी से उसकी आईटीआर मांगता है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए एक और सेक्शन इंसर्ट किया गया, सेक्शन 148A। उसके थ्रू भारत सरकार ने यह व्यवस्था करी, या मैं रादर अब बोलूंगा कि संसद ने यह व्यवस्था करी कि आप किसी भी व्यक्ति का असेसमेंट 147 में खोलने के लिए उसको 148 का नोटिस से देने से पूर्व सेक्शन 148A की प्रक्रिया का पालन करें। अब ये 148A की प्रक्रिया क्या है, इस पर मैं आता हूं अभी। पहले आपको हल्का सा रीडिंग करके बताता हूं कि सेक्शन 148, जिसका टाइटल है दोस्तों इश्यू ऑफ नोटिस वेयर इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट, यानी जहां आयकर विभाग को लगा कि किसी की आय की चोरी हुई है, उसने आय कम बताई है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 148 का नोटिस देता है। उसमें लिखा है, बिफोर मेकिंग असेसमेंट री असेसमेंट री कंप्यूटेशन अंडर सेक्शन 147 एंड सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 148। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 148 है, यानी 148 का नोटिस आने से पूर्व 148A की प्रक्रिया पूरा होना जरूरी है, 148A सेक्शन की कंप्लायंस जरूरी है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ओके सर, ये सेक्शन 148A का नोटिस अगर नहीं हो तो 148A की प्रक्रिया 148 की प्रक्रिया नहीं होगी, और ये नहीं होगी तो फिर ये असेसमेंट भी नहीं होगा। यानी अगर आपने इस पर प्रॉपरली अटैक कर दिया 148A के नोटिस पर, तो आपका कोई असेसमेंट ना तो खुलेगा ना कंप्लीट होगा। तो करदाता को यह समझना बहुत जरूरी हो गया फिर कि अच्छा, अब ये 148A को समझने की एक क्यूरियोसिटी मैंने आप में पैदा कर दी, और इसके लिए अब आपको आगे लिए चलता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि सेक्शन 148A के नोटिस में क्या लिखा है। इसका टाइटल है, लेट्स अंडरस्टैंड सेक्शन 148A, जिसका टाइटल है कंडक्टिंग एंक्वायरी प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी बिफोर इश्यू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148। फिर पुष्टि हो गई कि 148 के नोटिस से पूर्व 148A में एक कंडक्शन ऑफ इंक्वायरी होगी। तो सेक्शन 148A में कहा गया, द असेसिंग ऑफिसर शेल, यानी ईओ के लिए प्रक्रिया मस्ट है, बिफोर इशूइंग एनी नोटिस अंडर सेक्शन 148। तो वो 148 के नोटिस से पहले ईओ को 148A की पालना सुनिश्चित करनी है। उसमें क्या करना है ईओ को, कंडक्ट एनी इंक्वायरी इफ रिक्वायर्ड विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आयकर विभाग के पास किसी करदाता से संबंधित सूचना है कि उस करदाता ने कुछ आय कर योग्य होने से छुपा ली, इनकम एस्केप्ड असेसमेंट होगी, तो वो पर्टिकुलर सूचना के आधार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई इंक्वायरी कंडक्ट करना चाहता है। अब वो इंक्वायरी किससे होगी, करदाता से भी हो सकती है और थर्ड पार्टी से भी हो सकती है। जैसे बैंक से पूछा जा सकता है, हाँ भाई, क्या अनु भाटिया ने एफडी कराई, क्या अनु भाटिया ने इतना कैश जमा कराया क्या, तो थर्ड पार्टी इंक्वायरी भी हो सकती है और करदाता से भी पूछ सकते हैं। अब ये जो कंडक्टिंग ऑफ इंक्वायरी होगी, इसके संदर्भ में क्या किया जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दैट इज द असेसिंग ऑफिसर शेल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी, मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं सर, शेल, यानी ईओ का ये डिस्क्रिशन नहीं है कि वो ऐसा करे या नहीं करे, उसे करना ही है। शेल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द असेसर, असेसी को सुनवाई का मौका देना है। कैसे देना है सुनवाई का मौका, बाय सर्विंग अपॉन हिम अ नोटिस टू शो कॉज विद इन सच टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस, नॉट बीइंग लेस देन 7 days एंड बट नॉट एक्सीडिंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच सच नोटिस इज इशूड, और सच टाइम एज मे बी एक्सटेंडेड बाय हिम ऑन द बेसिस ऑफ एन एप्लीकेशन इन दिस बिहाफ एज टू व्हाई द नोटिस अंडर 148 शुड नॉट बी इशूड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट इन हिज केस फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर एंड रिजल्ट ऑफ इंक्वायरी कंडक्टेड इफ एनी
एज पर क्लॉज ए। तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो इंक्वायरी करी क्लॉज ए में, मान लीजिए थर्ड पार्टी से करी, और आपको एज एन असेसी आपको करदाता के रूप में एक नोटिस दिया, नोटिस सर्व होना जरूरी है, चाहे वो फिजिकली सर्व होगा या आपके ईमेल आईडी पर सर्व होगा। उसके बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको 7 दिन कम से कम और मैक्सिमम 30 दिन का टाइम देगा, और उसमें आपसे पूछेगा कारण बताओ नोटिस है ये, कि क्यों ना हम आपके अगेंस्ट में एक असेसमेंट खोल दें 148 का नोटिस इशू करके, ताकि आप पर एक 147 का असेसमेंट करें। अब ये जो नोटिस आ रहा है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस नोटिस में कंटेंट लिखा होगा कि क्यों आपके अगेंस्ट में सेक्शन 148A की प्रक्रिया ली गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है करदाता के लिए समझने की, कि अब तक आयकर विभाग आपके प्रति क्या जानकारी है वो छुपा के रखता था। अब जब से 148A की प्रक्रिया आई, आयकर विभाग आगे बढ़ के आपको बताता है कि भाटिया जी आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी, हम जानना चाहते हैं कैसे खरीदी। भाटिया जी आपने ये प्रॉपर्टी बेची तो आपने इस पर कैपिटल गेन दिया नहीं दिया, कैश जमा कराया कहां से लाए, ठीक है। तो वो सारे जो मैटर्स हैं वो डिपार्टमेंट इस नोटिस के थ्रू असेसी की जानकारी में ला रहा है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। और पॉइंट दोस्तों इसी 148A के प्रक्रिया में आ रहे हैं, जब आपने कोई शो कॉज नोटिस पर जवाब दिया, ठीक है, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, कंसिडर द रिप्लाई ऑफ असेसी, रिप्लाई ऑफ असेसी फर्निश, यानी आपने जो उत्तर दिया है वो असेसिंग ऑफिसर को कंसिडर करना है, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू शो कॉज नोटिस। और फाइनली असेसिंग ऑफिसर को डिसाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड इंक्लूडिंग रिप्लाई ऑफ द असेसी, जो रिकॉर्ड पर उनके मटेरियल था वो और आपने जो जवाब दाखिल किया उसको देखते हुए, वेदर और नॉट इट इज अ फिट केस टू इश्यू अ नोटिस अंडर सेक्शन 148, क्या आपका केस 148 में नोटिस देने योग्य है या नहीं है, बाय पासिंग एन ऑर्डर। और ऐसा करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, एक ऑर्डर पास करने का। इसी को हम बोलते हैं कि 148A क्लॉज ए या बी में नोटिस आना और 148A क्लॉज डी में ऑर्डर आना। दोस्तों ये ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस ऑर्डर में हो सकता है असेसिंग ऑफिसर आपके रिप्लाई से संतुष्ट हो कि भाई साहब मेरी कोई इनकम एस्केप नहीं है, मैंने प्रॉपर टैक्स दे दिया है, आपकी जानकारी में ला रहा हूं, तो मैटर क्लोज। और अगर आपने जवाब संतुष्ट नहीं किया आपने जवाब से, तो देन असेसिंग ऑफिसर फिर उस ऑर्डर के थ्रू आपका असेसमेंट खोल लेंगे विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी, और सीनियर अथॉरिटी के अप्रूवल लेकर के असेसिंग ऑफिसर वो पर्टिकुलर ऑर्डर पास करेगा 148A क्लॉज डी में, क्योंकि अब इस असेसी का हम असेसमेंट खोल रहे हैं या ड्रॉप कर रहे हैं। और कब तक करेंगे ऑर्डर, विद इन 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विद द रिप्लाई रेफर टू इन क्लॉज सी इज रिसीव, और वे आर नो सच रिप्लाईज फर्निश। अब ऐसी गलती कोई भी करदाता ना करे कि वो रिप्लाई नहीं करे, रिप्लाई नहीं करेंगे तो भी ये क्या करेगा, विद इन 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टाइम और एक्सटेंडेड टाइम अलाउड टू फर्निश अ रिप्लाई एज पर क्लॉज बी एक्सपायर। फिर आप एक तरीके से डिपार्टमेंट को एक तरफा जाने के लिए छोड़ रहे हैं कि ठीक है साहब मैं तो जवाब दे नहीं रहा, जो आपके पास में सूचना है एक तरीके से डिपार्टमेंट फिर उसे सही मान लेगा और आपका असेसमेंट खोल देगा। तो ऐसे करदाता जो ये समझते हैं कि साहब मेरा असेसमेंट गलत खुल रहा है, मेरे पास कोई इनकम एस्केप नहीं है, उनके लिए ये जो सेक्शन 148A की प्रक्रिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम की और एक अपॉर्चुनिटी है, मैं इसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानता हूं। ये असेसिंग ऑफिसर को उसको सुनना है और सुनने के बाद एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करना है। मैं टर्म यूज कर रहा हूं सर, स्पीकिंग ऑर्डर। तो आप ये देखें कि एओ ने क्या आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करी और आपके रिप्लाई को ध्यान में रखते हुए अपना ऑर्डर पास किया, और अगर फिर भी आपके अगेंस्ट में एक ऐसा ऑर्डर पास हुआ जिससे आप संतुष्ट नहीं है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा सर कि 148D में पास किए गए ऑर्डर पर आप अपील कर सकते हैं फॉर टाइमिंग। अब आपको 148 का नोटिस आएगा और 147 में असेसमेंट होगा, आप इस असेसमेंट की प्रक्रिया में भी पर्याप्त जवाब देके अपने आप को बचा सकते हैं। मान लीजिए यहां भी आपको फेवर नहीं मिला तो आपको फिर एओ के ऑर्डर पर सीआईटी अपील में अपील फाइल करनी होगी। तो ये एक मैंने विजन भी आपको बनाने में हेल्प करी कि ओके इस नोटिस को फाइनली किस तरीके से आगे तक देखा जा सके। तो आपकी क्यूरियोसिटी को मिटाने के लिए कि आपको पता चले कि हाँ कैसे ये नोटिस दिखता है, फॉर एन एग्जाम्पल ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से किसी करदाता को नोटिस दिया, उनका नाम पता यहाँ पे लिखा, उनका पैन नंबर लिखा, उनको बताया कि इस वित्त वर्ष के लिए हम आपको ये नोटिस दे रहे हैं, डेट लिखी है, किस दिन नंबर से डिपार्टमेंट ने दिया है, और नीचे लिखा कि अच्छा क्या सब्जेक्ट है, कि कॉलिंग इन्फॉर्मेशन अंडर सेक्शन 148A विद रिगार्ड टू परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड पेमेंट विच इज मेड टू अ नॉन रेजिडेंट, मे बी बाय द असेसी और मे बी टू हिम हु इज अ नॉन रेजिडेंट फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर।
तो ये एक तरीके से आपको सब्जेक्ट के रूप में लाइन मिलेगी। अब सब्जेक्ट के रूप में लाइन मिलने के बाद में नीचे कंटेंट देगा डिपार्टमेंट के, काइंडली रेफर टू द अबव, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रेफरेंस से हम आपसे पूछने जा रहे हैं। केवल एग्जाम्पल के लिए सबको इसी प्रकार से आएगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि मान लीजिए किसी ने प्रॉपर्टी परचेज करी, किसी ने सेल करी, किसी ने शेयर के ट्रांजेक्शन किए, किसी ने कैश जमा किया, तो हर एक को उसकी परिस्थिति के हिसाब से नोटिस का कंटेंट बनेगा। ये एक एग्जाम्पल के लिए पढ़ रहा हूं कि करदाता को बोला, एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन दिस ऑफिस यू हैव पेमेंट ऑफ रुपीज सो एंड सो ऑन परचेज ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी। यानी इस करदाता को ये डिपार्टमेंट बोल रहा है, मान लीजिए अमाउंट 70 लाख की, आपने 70 लाख की एक प्रॉपर्टी परचेज करी और एक पेमेंट भी हुआ है आपको एज अ नॉन रेजिडेंट आफ्टर टीडीएस इस वित्त वर्ष में हुआ है, पर आपने अपनी रिटर्न नहीं भरी। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि ये नोटिस उन्हीं को आएगा जिन्होंने रिटर्न नहीं भरी, जिन्होंने रिटर्न भरी उनको भी आ सकता है। और फिर इसके बेसिस पर डिपार्टमेंट आपसे इंक्वायरी कर रहा है कि अब आप ये चीजें बताइए कि एक तो अपना कॉपी ऑफ पैन कार्ड दीजिए, अगर आपने रिटर्न भरी वो बताइए, कॉपी ऑफ कोई परचेज डीड, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी परचेज का मामला है तो परचेज डीड बताइए, कंप्यूटेशन विद सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बताइए कि आपने पैसा कहाँ से लाया था, अगर आपको कोई पेमेंट एज अ नॉन रेजिडेंट हुआ है या आपने नॉन रेजिडेंट को पेमेंट किया है तो उसके भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दीजिए और अपने बैंक अकाउंट की डिटेल दीजिए। आगे डिपार्टमेंट लिखा, दिस इंक्वायरी लेटर हैज बीन इशूड विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन ऑन और बिफोर से 20th of Feb 2023। तो एक डेट उन्होंने आपको दे दी कि इस डेट तक आपको जवाब देना है। अब बात करता हूं इस विषय में कि मान लीजिए आप देखना चाहें कि अनुप जी कहीं मेरे लॉग इन में भी ऐसा कोई नोटिस तो नहीं आया हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमें सजग रहना चाहिए। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप अपना इनकम टैक्स लॉगिन करिए और लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको पेंडिंग एक्शन में जाना है। ये पेंडिंग एक्शन में आपको क्लिक करना है। जब आप पेंडिंग एक्शन पे क्लिक करेंगे तो इस टैब में आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, वर्कलेस, रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड, ई प्रोसीडिंग। अब आपको ई प्रोसीडिंग पर क्लिक करना। जब आप ई प्रोसीडिंग में क्लिक करेंगे दोस्तों, देखिए आपको यहां फिर से मैं दिखा रहा हूं, डैशबोर्ड पेंडिंग एक्शन ई प्रोसीडिंग। अब आपको सेल्फ यानी आपसे संबंधित कोई पर्टिकुलर फॉर योर एक्शन पेंडेंसी दिख रही है। तो प्रोसीडिंग का नेम आया, कौन सी प्रोसीडिंग है, 148 है, जो मैंने शुरू में डिस्कस करी। कौन सा असेसमेंट ईयर है, से 16-17। ये कब से ओपन हुई, ठीक है, और ये प्रोसीडिंग कब तक खत्म की जा सकती है उसकी डेट भी दी है, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है। अब यहां आपका पैन, यहां आपका नेम आ रहा है। आप चाहते हैं कि ओके मैं ये नोटिस देखूं, तो आप यहां पे क्लिक करिए, आपको रिलेवेंट नोटिस यहां पर देखने को मिलेगा। एक और बात दोस्तों, नोटिस एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे एक नोटिस करदाता को दिया, दो या तीन किसी और को पूछने के लिए भी किए, तो ऐसी परिस्थिति में डिपार्टमेंट को ये नोटिसेज अलग अलग भी असेसी को दिख सकते हैं कि ओके नोटिस मुझे भी दिया, बैंक को भी दिया, स्टैंप रजिस्ट्रार को भी दिया। आप हर नोटिस पर एक अपना रिस्पॉन्स सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आप रिस्पॉन्स सबमिट करेंगे, नोटिस को देखना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें, रिस्पॉन्स आपको फाइल करना है तो आप सबमिट रिस्पॉन्स पर जाकर के क्लिक करेंगे। जब दोस्तों आप सबमिट रिस्पॉन्स विंडो पर क्लिक करेंगे तो आपको टाइटल दिख रहा है, असेसमेंट प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 148 है। ये आपका पैन, ये वित्त वर्ष, ये असेसमेंट ईयर, जिस नोटिस से आपको ये पर्टिकुलर रिस्पॉन्स जिसके रेफरेंस में आप कर रहे हैं वो, ठीक है। और यहां पर आपको पार्शियल रिस्पॉन्स और फुल रिस्पॉन्स के दो ऑप्शन आ रहे हैं। यदि आपके पास अभी कुछ सूचना है तो आप लिखेंगे कि ओके मेरे को चार इन्फॉर्मेशन देनी है साहब, उसमें से दो दे रहा हूं, दो अभी आपको इस डेट तक दे दूंगा। तो लॉ ने बोला है 7 दिन मिनिमम, 30 दिन मैक्सिमम, तो आप ज्यादा टाइम भी अगर चाहें तो 7 से 30 के बीच का मांग सकते हैं डिपार्टमेंट से। यहां आपको रिस्पॉन्स फुल या पार्शियल करके सबमिट करना है। तो जब आप सबमिट करेंगे तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट कि हाँ साहब आपकी इन्फॉर्मेशन फाइल हो गई, डाउनलोड करने के लिए मिलेगा। और दोस्तों साथ साथ आपको यहां आपके सपोर्टिंग कोई अटैचमेंट लगाने हैं तो अटैचमेंट लगाने का भी ऑप्शन मिलेगा। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी तो सेल डीड की कॉपी, परचेज डीड की कॉपी, ये भी आप यहां पर लगा के डिपार्टमेंट को अपना पक्ष क्लैरिटी से रख सकते हैं। इसमें दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे ये करता हूं कि आपने बोला के ओके हाउ टू रिस्पॉन्ड सेक्शन 148 नोटिस। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया क्योंकि यहां पर चेक करिए पार्शियल या फुल रिस्पॉन्स दीजिए। हमें समझना क्या है करदाता के रूप में, यदि 148 का नोटिस आया है, हमें अपना पक्ष इस प्रकार से रखना है ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि ओके इस व्यक्ति ने कोई कर की चोरी नहीं करी। मान लीजिए आपको लगता है कि अरे साहब पकड़े गए, कर की चोरी तो हुई है,
देन इन दैट केस क्या करे, क्या टैक्स पे करके जाना चाहिए? मेरे जैसा सीए तो कहेगा हाँ साहब टैक्स पे कर दीजिए, वो अच्छी बात है क्योंकि अभी तो आपको टैक्स और इंटरेस्ट देना है। हो सकता है पेनल्टी से हम बच जाए, हो सकता है, जरूरी नहीं, लेकिन ये एक अच्छा मौका है कि यदि कोई व्यक्ति 148A में ये प्रूव कर दे कि साहब मेरा टैक्स बनता था, मैंने इंटरेस्ट सहित जमा करा दिया। लिखित डिपार्टमेंट में कुछ भी ऐसा एक्ट में नहीं है, लेकिन हो सकता है डिपार्टमेंट को ये मर्सी आ जाए कि हाँ साहब चलो इसने तो टैक्स इंटरेस्ट दे दिया तो अब कुछ बचता नहीं है। लेकिन इस बात की संभावना प्रैक्टिकली कम है, ये बात की संभावना ज्यादा है दोस्तों कि डिपार्टमेंट फिर भी आपका असेसमेंट खोले। पर फिर भी मैं मानता हूं कि करदाता के लिए अच्छा हो कि वो अपना टैक्स प्लस इंटरेस्ट पे करते जाए। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि साहब मेरी तो कोई चोरी नहीं है, तो वो अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट इस सबमिशन के साथ लगाए, प्रॉपर रिप्लाई बनाए। मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट, अपने टैक्स कंसल्टेंट की राय अवश्य लें, ताकि एक लीगल लैंग्वेज में आपका आंसर डिपार्टमेंट तक पहुंचे। लेकिन मैं इस बात को भी हतोत्साहित नहीं करता कि आप स्वयं क्यों ना जवाब दें, पर मेरा अनुभव यह कहता है कि सर किसी प्रोफेशनल की यहां पर सलाह लेना आपके लिए निश्चित रूप से कार्यदायक फलदायक रहेगा। सो आई होप इस वीडियो के थ्रू जो मैंने आपके सामने 148A से रिलेटेड निटी ग्रिटी पर डिस्कशन किया वो आपके काम की रहेगी और आपको इस वीडियो से निश्चित रूप से लाभ हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बींग विद मी, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।